इंडिया भारत, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। उत्तर प्रदेश के इटावा से रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जो चाचा अपने भतीजे को अपने ही घर में बेहद ही प्यार से रखता था, वही भतीजा उसके पीठ पीछे उसकी ही पत्नी के साथ आशिकी लड़ा रहा था। भतीजा और चाची एक दूसरे को बेइंतहा इश्क कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच चाचा रास्ते का पत्थर साबित हो रहा था। तभी चाची और भतीजे ने मिलकर चाचा को ही रास्ते से साइड करने का रास्ता निकाल लिया, और फिर उसके बाद भतीजे ने अपने दूर के रिश्तेदार को चाचा की मौत की सुपारी दे दी। जानकारी के अनुसार बीते 30 दिसंबर को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंडरपास पर दो बाइक सवार बदमाशों ने मुकुट सिंह नामक व्यक्ति पर गोलियों से जानलेवा हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। वहीं गोली लगने के बाद मुकुट सिंह रोड पर ही बेहोश हो गए थे। वहीं गोली की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई और फिर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानन में मुकुट को पहले अस्पताल में भर्ती कराया और फिर उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने मुकुट के सभी रिश्तेदारों से पूछताछ की, तो उस दौरान पुलिस को मुकुट के भतीजे राकेश पर शक होने लगा। तब पुलिस ने राकेश से कड़ाई से पूछताछ की, तो उस दौरान राकेश ने अपना गुनाह कबूल कर बताया कि वो अपनी चाची से ही प्यार करता है और चाचा दोनों के बीच प्यार में बाधा बन रहे थे, लिहाजा उसने यूपी के फिरोजाबाद स्थित अपने रिश्तेदार शूटर पूरन और राम नरेश को चाचा की हत्या के लिए 1,00,000 रुपए की सुपारी दे दी। ₹30,000 रुपए शूटरों को एडवांस भी दे दिए गए थे और बाकी की रकम चाचा की हत्या के बाद दी जानी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि चाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो ठीक यही वाक्य मुकुट सिंह पर भी सटीक बैठता है, क्योंकि हमलावरों द्वारा हमला करने के बाद भी साकुशल हैं। 30/12/2022 को अंडरपास जो सिविल लाइन का है उस पर एक सुबह सुबह घटना हो गई थी, जिसमें एक मुकुट सिंह नाम के आदमी को दो गोली मारी गई थी तथा वो मोटरसाइकिल सवार बदमाश भाग गए थे। इसमें जो मजरूब है मुकुट सिंह, उसकी पत्नी इसमें शामिल थी, उनके प्रेम संबंध थे, उनके भतीजा जो लगता है राकेश, और उसने राकेश ने इसमें अपने जो फिरोजाबाद स्थित उसके कुछ अपने संबंध थे, रिश्तेदारी थी, दूर की रिश्तेदारी थी, जिसमें एक पूरन नाम के आदमी को भी जो शूटर है गिरफ्तार किया गया है, तथा उसका एक साथी और है जो राम नरेश जिसका नाम है, उसको भी हमने वांछित बनाया है। वह भी वहीं है, फिरोजाबाद का रहने वाला है, तथा उसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर लेंगे। अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें बहरहाल पुलिस ने मुकुट सिंह की पत्नी, भतीजे राकेश और पूरन नामक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।